भक्तों कैसे हो। कान्हा जी की कृपा से अच्छे होंगे। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी और ये देखो हमने कान्हा जी के लिए डेकोरेशन किया हुआ है। बर्थडे पर ये हमने बैलून लगाए हुए हैं और ये हमने फ्लावर्स लगाए हुए हैं, ये भी फ्लावर्स लगाए हुए हैं। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर बैलून लगे हुए हैं, जिन्हें देखकर हमारे कन्हैया बहुत खुश हो रहे हैं। ये देखो जितना हमसे बन पड़ा है, हमने कान्हा जी के लिए डेकोरेशन किया है। ये देखो कितने अच्छे से, क्योंकि हम अकेले ही करने वाले हैं। कान्हा जी की डेकोरेशन भी करते हैं, घर का काम भी बहुत हो जाता है, इसलिए जितनी उनकी इच्छा थी इसलिए हमने इतनी ही डेकोरेशन की है। और ये देखो ये है मटकी, ये हमारी छोटी सी बिटिया रानी है, उसने बनाई हुई है ये मटकी कितने प्यार से देखो। और ये है उसने बांसुरी बनाई हुई है कितने प्यार से, कान्हा जी के लिए छोटी बच्ची ने बनाई है और कान्हा जी को गिफ्ट की है उनके बर्थडे पर। तो बताना कैसी लगी है ये मटकी, कान्हा जी की बच्ची ने बनाई हुई है बहुत प्यार से। और ये बैठी है उनकी गौ माता। और अब आइए हमारे कान्हा जी पर, ये देखो कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं आज। आज बहुत सुंदर मेरे कान्हा जी लग रहे हैं। ये देखो ये इनका झोला है, कान्हा जी का बहुत प्यारा सा झोला है। ये देखो कितना प्यारा झोला है और झोले पे तो आज ये बहुत खुश हो रहे हैं। और आज इनका जन्मदिन है, आज ये मगन बहुत है, कह रहे हैं मैया आज तो हमें बहुत झूला झूलना है, बहुत मिठाइयाँ खानी है। और हमने मिठाई भी बनाई है कान्हा जी के लिए। तो देखो कैसे लग रहे हैं कान्हा जी, कमेंट में ज़रूर बताना कि कन्हैया आज कैसे लग रहे हैं और कैसी हमारी झूले की डेकोरेशन और मंदिर की डेकोरेशन कैसी है, आप सब ज़रूर बताना। और कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखा करो भक्तों, जो हमको पता चले कि भाई हमारी डेकोरेशन कैसी है और कैसी नहीं है। ये देखो जैसी भी हमसे बन पड़ी है हमने किया है। ये देखो फ्लावर्स भी लगाए हम बहुत मेहनत से बनाते हैं और इसको फिर आपके लिए कान्हा जी तक पहुंचाते हैं। ये देखो तो बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे श्याम।